कह रहे हैं कि ये बहुत अंधेरा वक्त है, मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत उजाला वक्त है।
पहली बात तो इस आसमान के नीचे इतने सारे सूरज रोशन है, कौन कहता है कि अंधेरा है। हम अब तक चित्रमंड होते थे कि भाई मीडिया जो है उन लोगों को बरगला रहा है, उनको मिस इन्फॉर्म कर रहा है। अब आप ये देखिए कि किसी सरकारी दरबारी मीडिया ने, जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया भी कहते हैं, किसी गोदी मीडिया ने किस तरह से लोगों को बहकाने बरगलाने की कोशिश की कि सीए एनआरसी जो है वो हमारी भलाई करें। यहाँ हर तरह का जज्बा मुझे नजर आया।
या हौसला मिला, उम्मीद मिली, गुस्सा दिखा, थोड़ी नाउम्मीदी भी दिखी, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ नहीं मिली, वो था खौफ। और आप यकीन जाइए कि एक कारण शाह को सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता है कि लोग उसे नहीं डरते, क्योंकि तानाशाही की पहली शर्त यह है डर। तानाशाही तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक डर स्थापित ना हो। जिस दिन डर कायम हो गया उस दिन तानाशाही स्थापित होगी। गौरव पांडे की एक कविता है, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं वो, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद। वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं वो, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो आज वो लोग जिनके पास तमाम फौज गोला बारूद पुलिस सब कुछ मौजूद है, सीबीआई ईडी, उनको डर लग रहा है कि लोग उनसे नहीं डर रहे। अभी अभी 6-7 महीने पहले हमने उनको चुनके सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया, और यही एक डेमोक्रेसी का दस्तूर होता है कि लोग जो है लूटर को चुनते हैं और उसे कुर्सी पर बिठाते हैं। लेकिन आज एनआरसी और सीए के जरिए वो लूटर, वो बादशाह, वो चुनना चाहता है कि तुमने मुझे चुना लेकिन अब मैं तुम्हें चुनूंगा। नागरिक कौन होंगे, वोटर कौन होंगे, और वो रूलर हमें चुनना चाहता है, लेकिन ये चुनने का हक हम उसे नहीं देंगे। वो मतदाता सूची बनाना चाहता है अपने हिसाब उन लोगों के, जो लोग उसे वोट देंगे वही नागरिक कहलाएंगे। तो जिस रूलर को हमने चुना, अब वो जिस जनता ने रूलर को चुना, जिस जनता ने शासक को चुना, अब वो शासक जनता चुना चाहता है। जिस वोटर ने शासक को चुना, अब वो शासक वोटर चुना चाहता है। ये रिवर्स हो गई है, क्रोनोलॉजी पलट गई है। इस दौरान जो एक दो अहम चीजें मैं एक दो मिनट में कहना चाहती हूँ वो ये कि हम जो नहीं समझ पा रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा, अब 6 हफ्ते हो चुके हैं, 6 हफ्ते गुजर गए हैं, क्या जब कोई चुनावी जीत हार होगी तभी ये माना जाएगा कि ये जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, ये अलग अलग जगहों पे जो शाहीन बाग खेल रहे हैं ये कामयाब है? मैं कहती हूँ नहीं। पहली बात कि हम 1.5 महीने के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर प्रजा से नागरिक बन गए, 6 हफ्ते के अंदर। आज इस रिपब्लिक को, इस गणतंत्र को बचाने के लिए 70 साल का ये गणतंत्र हो गया। तमाम दुनिया ये कह रही थी कि इतने मजहब हैं यहाँ पर, इसी तरह की जातें हैं, इतने तरह के कल्चर्स हैं, ये मुल्क कभी एक नहीं रह पाएगा। 70 साल का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, हम एक हैं। और आज सबसे ज्यादा इसको लेके बार बार आवाजें निकल रही है कि आज से ज्यादा शायद एक हम कभी नहीं। आया गया था वो दो चीजें मैं मानती हूँ कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, और दूसरे हमें बांटने के लिए, दो मकसद थे। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इतने दीवाने निकल पड़े, ठंड में नीचे कड़कड़ाती ठंड में औरतें बच्चे बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशन न सिर्फ पढ़ रहे हैं वो, बल्कि सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा इस किताब को अपने सीने से लगाएंगे, क्योंकि यकीन जानिए कि अगर देश का संविधान बचा तो गीता भी बचेगी, कुरान भी बचेगा, बाइबल भी बचेगी। तो इसलिए ना हिंदुइज्म खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है, सिर्फ जो खतरे में है वो एक किताब है, भारत का संविधान। और इसको बचाने के लिए इतने लोग जमाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि हमें बांट देंगे, वो भी मजहब के आधार पर बांट देंगे। मैं ये पूरे यकीन और दावे के साथ कह सकती हूँ
ये करीब करीब पिछले 20 साल से मैंने समाज को समझाया और सरकारिता कर रही हूँ। इससे पहले मैंने भारत को इतना एक इतनी एकता किसी एक मंच किसी एक महफिल में कभी नहीं। तो मुझे नहीं पता कि उनकी जीत हार के क्या मायने हैं, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि हम जीत रहे हैं। और कोई तो ऐसा होगा जो हार रहा हो, कल इसको लेकर काफी फिक्रमंद हुए लोग, पत्रकार कहने लगे कि शाहीन बाग से और कोर्ट जाना चाहिए, इससे पोलराइजेशन हो रहा है, दिल्ली चुनाव में फायदा हो रहा है। मैं हैरान होती हूँ और हंसी भी आती है। और ये वो लोग थे कि जो बहुत जो भलाई चाहते हैं, जो ये जो हिंदुस्तान को भारत को बचाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग से और कोर्ट जाना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हैं, इकबाल मैदान में जो औरतें बैठी हैं, वो वोट बैंक नहीं है, वो इस देश की भारत की नागरिक हैं, वो अपनी नागरिकता बचाने के लिए बैठी हैं। न वो किसी को हराना चाहती हैं, न वो किसी को जिताना चाहती हैं, न वो वोट बैंक है, न वो कांग्रेस पार्टी की है, न वो समाजवादी पार्टी की है, न वो बहुजन समाजवादी पार्टी है, न वो किसी पार्टी की है, वो सिर्फ इस देश की है और इस देश को इस संविधान को बचाना चाहती है। और लोग ये कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी समझिए उठ जाइए। मैं कहती हूँ कि वो लोग जो शाहीन बाग को देखकर उससे खौफ खा के या उससे नफरत करके एक पार्टी को वोट करना चाहते हैं, कुछ जिम्मेदारी उन लोगों से भी ले लीजिए कि नफरत ना करने की भी कुछ जिम्मेदारी लीजिए। या मान लें कि आप इतने बेवकूफ हैं, कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन सबसे गरीब हाशिए के लोगों से ली जा रही है कि आप उठ जाइए, वरना वो जीत जाएंगे या वो हार जाएंगे। उधर के लोगों से जिम्मेदारी ले लीजिए कि जिम्मेदारी से वोट कर लीजिए। जिसे जीतना चाहिए वो जीतेगा, जिसे हारना चाहिए वो हारेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंशियल फाइट के लिए यहाँ पर लोग जमा हैं। जीत और हार की जहाँ पर बात हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में औरतें यहाँ पर निकली हैं। अब तक हमें बताया गया कि भाई मुस्लिम औरतें बड़ी मजलूम हैं, वो तीन तलाक से पीड़ित हैं, सुबह में निकाह होता है, शाम में तलाक होती है। और सिर्फ यही उनके मसले हैं, उनके कोई मसले नहीं है। वो स्कूल नहीं जाती, कॉलेज नहीं जाती, दफ्तर नहीं जाती। जो उनके सिर्फ अकेले जो उनके मसाइल हैं वो हैं सिर्फ तीन तलाक, निकाह और तलाक। हमने देखा सैकड़ों घंटे टीवी पर डिबेट्स चली मुस्लिम औरतों को लेकर। अब तक वो मुस्लिम औरतों के बारे में बोल रहे थे, आज मुस्लिम औरतें अपने बारे में और सबके बारे में बोल रहे हैं। तो 6 हफ्ते में ये बदल गया। मुझे नहीं पता जीत हार हुई या नहीं हुई। ये सीए एनआरसी से आगे बढ़ते और आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसानों के मुद्दे उठाने चाहिए, आदिवासियों के मुद्दे उठाने चाहिए, जो सूर्य से उनके मुद्दे उठाने चाहिए। और यहाँ हमें अक्सर दिल्ली चैनल से बताया जाता था कि एक नेता का नाम लेके बार बार कि अगर वो नहीं तो कौन, कोई नेता नहीं है इस देश में। वो कहते थे अगर उनको वोट न दे तो किसको वोट दे। मैं कह रही हूँ इस वंश में नेता ही नेता बैठे हुए हैं। आयशी घोष बैठी है, जाकिर बैठे हुए हैं, चंदा बैठी हुई है, इतने नेता। 140 करोड़ लोगों में आपको नेता नहीं मिल रहे हैं। यहाँ 14 नेता तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब ये सवाल तो सॉल्व हो गया कि वो नहीं तो कौन, वो नहीं तो ये सब। क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट से जो एक नई लीडरशिप उभर के आ रही है, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो, चाहे वो सूर्य पॉलिटिक्स हो। अब तक हम देखते थे कि लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक बड़ी नई लीडरशिप तैयार हो रही है। और यकीन जानिए आप, इतने बेखौफ, इतने बहादुर और इतने बेहतर तरीके से हमारे समाज को समझने वाली ये नई पीढ़ी है, 20 से 25 साल की उम्र के लोग, जिनके अभी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। तो यानी हमने अपनी लीडरशिप अब 70 साल के आदमी को नहीं, 20 साल के लोगों को दे दी है। और यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है।
اقبال کا ذکر ہے، اقبال میدان ہی، میں آخری بات آپ سے انہیں کے شعر کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت گرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت گرا سے، ذرا نم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ اور یہاں کتنی نمی نظر آ رہی ہے، بہت زرخیز ہے۔ شکریہ۔